मंदसौर जिले में एक बार फिर आंदोलन की चिंगारी उठी है। पिपलिया मंडी में किसानों ने मध्य प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दिया। दरअसल किसानों ने अफीम नीति के खिलाफ वही पिपलियांडी में अफीम किसानों का धरना प्रदर्शन हुआ। अंतिम चरण में सभी अफीम किसानों ने अपनी मांगों का ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम मल्हारगढ़ अनुविभागीय अधिकारी रोशनी पाटीदार को सौंपा। साथ ही किसानों ने मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम भी कर्ज माफी सहित अन्य मांगों का ज्ञापन भी अनुविभागीय अधिकारी को सौंपा है। पॉलिसी मैटर है और सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्होंने जो मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है, मैं ज्ञापन और उनकी मांगे ऊपर पहुंचा दूंगी। दूसरा जो आप कह रहे हैं ऋण माफ़ी का, ये भी मैं इनकी मांग को ऊपर पहुंचा दूंगी। मेरे क्षेत्र अधिकार में राहत का है, मैं उसको करने में पूरी कोशिश। राहत कार्य और जो मुआवजा वितरण की कार्रवाई कहाँ तक चली? पशु हानि, जनहानि, मकान क्षति के लगभग 100% प्रकरणों में राशि जा चुकी है। फसल क्षति में हमारे 50% प्रकरण स्वीकृत हो चुके हैं। लगभग 20-25 गाँव तो राशि भी जा चुकी है, हम बहुत जल्दी इसको खत्म करेंगे। आज मध्य प्रदेश राजस्थान के यहाँ पे अन्नदाता आए थे और सभी की एक ही मांग है कि जो हमारी जो नई अफीम नीति बनी है इसका हम लोग विरोध करते हैं, क्योंकि जो मार्फिन बताई गई है 4.5, अब आप मुझे बताइए किस खेत की मार्फिन कितनी आती है ये कोई नहीं बता सकता। अमृत राम जी और हमने DNC महोदय से NC महोदय से इस बारे में चर्चा की थी तो उन्होंने बताया था कि भाई हमको ही नहीं पता, क्योंकि प्रत्येक खेत की मार्फिन अलग अलग आती है। हार्टिकल्चर कॉलेज मंदसौर में मार्फिन को निकाला गया तो उनकी मार्फिन इतनी भी नहीं आई जितनी अन्नदाता के उसकी खेत की आती है। अब आप हमें बताइए कि कौन सा बीज डालें, कौन सी दवाई डालें हम कि हमारी अन्नदाताओं की मार्फिन 4.5 आ जाए। इस बात का हमारा बहुत बड़ा विरोध है। इस प्रकार से एक और बात और आपसे कहना चाहता हूँ आपके चैनलों के माध्यम से कि जो लागत मूल्य के आधार पर जो भाव है वो हमारा 10,000 रुपये होना चाहिए, और जो पोत्र पोत्री जो कि नामांतरण में अलग मानते हैं ये, जबकि रक्त समूह में आती है वो, उसको भी इसमें लागू करना चाहिए। इन बातों को लेकर के हमारा विरोध है। और घटिया पट्टे जो कि इनको 2 साल के पहले इनको 2-3 साल की सजा का प्रावधान था, उसके बाद इनको दिए जाते थे, परंतु हम इसको देख रहे हैं वर्षों से घटिया पट्टे वाले भी लोगों जो है उनके पट्टे बहाल नहीं हुए। क्या अब अगली रणनीति? 5 नवंबर को बहुत स्पष्ट बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से अन्नदाताओं को बोलना चाहता हूँ, 5 नवंबर को 10 से 15 हज़ार अन्नदाता नारकोटिक्स कार्यालय नीमच का घेराव करेंगे, चक्काजाम करेंगे, और जब तक हमारी मांगे नहीं मानेंगे हम लोग वहाँ पे डटे रहेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी ये मांग है कि हमको अफीम की खेती के लिए लाइसेंस दिया जाता है, और मार्फिन आधार पर जो है उन्होंने इस वर्ष 19-20 की जो नीति बनाई है बहुत ही घटिया नीति है। इसी बात को लेकर के ये आंदोलन किया गया है, और प्रत्येक किसान को कम से कम 10-10 आरी के पट्टे दिए जाएँ। जो किसानों का मजाक उड़ाया है 5 से 6 आरी दे करके, और अफीम का लागत मूल्य के आधार पर 10,000 रुपये का भाव किया जाए, इस बात को लेकर के आंदोलन किया गया। अफीम के डोड़ा चूरा के क्रय संबंधी क्या मांग है? किसानों की ये भी मांग है कि अफीम के जो डोड़ा चूरा है वो जो है लगभग 3 साल हो गए हैं, भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों मिलकर के जो है किसानों के साथ छलावा कर रही है, और उस अफीम डोड़े को चूरे को खरीद नहीं रही है, और नारकोटिक्स विभाग और पुलिस आए दिन जो है किसानों के डोड़े चूरे के केस बना रहे हैं। तो हमारी ये भी मांग है मध्य प्रदेश सरकार से और भारत सरकार से कि अफीम का डोड़ा चूरा भी जो है खरीदे। आपका आक्रोश था कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से आपके बीच में कोई नहीं आया, आपने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। बिल्कुल सर, हमारे DNC और DO से ये बात हुई थी तो उन्होंने ये कह करके अभी मना कर दिया, उन्होंने पहले हाँ भरी थी कि हम आपके बीच में आएंगे, और उन्होंने ये कह दिया है कि हमारे हेडक्वार्टर छोड़ने का आदेश नहीं है और हम उस स्थान पर नहीं आ सकते हैं। तो हम जो है 5 नवंबर को दशहरा मैदान में जो है नीमच में नारकोटिक्स का और इस मध्य प्रदेश सरकार का घेराव करेंगे। अलग अलग टाइप से ज्ञापन दे रही है इसी को लेकर, क्यों ना एक ही बार में सारे जो है? बिल्कुल सर, सभी संगठन ये अफीम उत्पादक किसान संगठनों का ये है, और मुझे राजनीतिक पार्टियों से भी ये कहना है और जो नेता जो है जो अभी ज्ञापन दिए गए मंदसौर और नीमच और अन्य जगहों पर, तो उन सबसे मेरा अनुरोध है कि कहीं नहीं सब मिलकर के अगर जो है एक बड़ा आंदोलन कर 50,000-1 लाख पब्लिक अगर वहां पर हो जाए, हम सब मिलकर के ये कोशिश करेंगे कि एक ही जगह मिलकर के ज्ञापन। आपकी नाराजगी थी जी,
क्या लग रहा है? बिल्कुल सर, किसान जो है सांसद की ओर निगाहें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस क्षेत्र से सांसद को प्रतिनिधि भी हैं और उनको 4 लाख वोटों से जिताया है, और कहीं ना कहीं आज किसानों के बीच में किसान उनको ढूंढता फिर रहा है, और कहीं ना कहीं उनको आज किसानों के बीच में होना था, जो आज जब फोन लगाते तो हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए वो गए हुए हैं, तो उनसे भी काफ़ी किसानों का आक्रोश है। मंदसौर से ललित शंकर धाकर की रिपोर्ट।